असलकुम आज हम इस वीडियो में पैक्सनी डॉटर की जो शॉर्ट स्टोरी है उसको डिस्कस करेंगे हमें ये पता चलता है कि जियोवैनी नाम का मेडिकल स्टूडेंट है जो कि इटली के अंदर पढ़ने के लिए आया है ये एक आ, आ, अमीर होटल या अमीर जगह पर अपना कमरा नहीं ले सकता बहुत ही गरीब सा ये स्टूडेंट है तो ये एक छोटे से होटल के अंदर एक किराए का कमरा लेता है जो जब ये खिड़की खोलता है तो इसके दूसरी तरफ उसको एक ऐसा घर नज़र आता है जहाँ पर एक प्रोफेसर रिपेक्सनी रहता है प्रोफेसर रिपेक्सनी एक ऐसा साइंटिस्ट है जो कि बहुत ही ईवल माइंड रखता है अपनी शैतानी कामों में लगा रहता है और इसकी एक बेटी है जिसको इसने बड़ा किया है सिर्फ इस नीयत के साथ कि मैं इसको जहरीले पौधों के दरमियान बड़ा करूंगा ताकि इसके अंदर जहर आता जाए और फिर जब ये बड़ी होगी तो ये इंसानियत के लिए ख़तरा बनेगी बैटरीज जो है ये पॉइजनस प्लांट्स के ही बड़ी हुई है जहरीले पौधों के ही बड़ी हुई है और इसका सारा जिसम भी जहरीला हो चुका है जीवैनी एक स्टूडेंट है प्रोफेसर बेगलियोनी का और प्रोफेसर बेगलियोनी जिवैनी को एडवाइस करता है कि तुम रिपेक्सनी की डॉटर से दूर रहना लेकिन जिवैनी बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानता और एक दिन वो खिड़की खोलकर एक रास्ता ढूंढकर गार्डन के अंदर चला जाता है बैटरी से मिलने के लिए बैटरी से जब वो मिलता है तो वो ये देखता है कि वो जिस फूल खिले हुए फूल की तरफ भी हाथ करती है वो फूल फ़ौर ही मुरझा जा जाता है ईवन के एक शहद की मक्खी भी आती है बैटरीस के पास और वह शहद की मक्खी भी वहीं मर कर गिर जाती है असल में इस बैटरीज का सारा उसका सारा जिसम जहरीला हो चुका था इवन के जब गुफ्तु हो रही थी जीवनी और बैटरीज के दरमियान तो रिपैक्सनी बड़ा खुश होता है रिपैक्सनी कहता है कि अच्छा है इन दोनों के दरमियान गुफ्तगु हो रही है इन दोनों की मैं आगे शादी करवा दूँगा और इनके जो बच्चे पैदा होंगे ना वो सारे ही जहरीले होंगे वो जिस इंसान को टच करेंगे छूएंगे वो फ़ौर इंसान मर जाएगा यानी रिपैक्सनी बड़ा खुश होता है कि जीवनी और बैटरस के दरमियान ताल्लुक बन रहे हैं अब होता क्या है कि बैटरस जो है वो किसी वजह से जीवैनी का हाथ पकड़ लेती है और जिस जगह से वो पकड़ती है वो वो जगह भी बिल्कुल ब्लैक हो जाती है जहरीली हो जाती है जवैनी को अब अंदाज़ा होता है कि जिस जगह से उसने पकड़ा था वो मेरा निशान मिट नहीं रहा और मुझे वो जगह भी बहुत दर्द हो रही है एक दफा जवैनी फूलों का गुलदस्ता ले आता है बैटरीस के लिए कि मैं आज इसको फूल दूंगा तोहफे के तौर पर लेकिन जब वो फूल जीवैनी अपने पास लेकर आता है अपने घर में उसने रखे होते हैं शीशे के सामने वो कटता है तो वो फूल भी मुरझा जाते हैं यानी जिवैनी को अब पता चलता है कि मेरा जिसम भी जहरीला हो गया है वो भागता है अपने प्रोफेसर के पास बेगलेनी के पास कि आप मुझे अब एडवाइस करें मैं क्या करूं प्रोफेसर बेगलेनी उसको एक एंटीडोट देता है एक एक आप ये समझें एक ऐसा मेडिसन देता है जिससे से बैट्रिस के अंदर का जहर मर सकता है वो अब उसको लेके जाता है जिवैनी उस एंटीडोट को लेके जाता है बैटरीज के पास बैटरीज देखती है कि मेरे हाथ में ये एंटीडोट है लेकिन रिपेक्सनी जब ये ऊपर से नज़ारा देख रहा होता है तो वह भागता है और वह रोकता है बैटरीज को कि तुम तो ऐसा मत करो ये एंटीडोट तुम तो मत लेना अब बैटरीज जो है वह बहुत ज़्यादा अफसरदा है इस बात से कि मेरे वालिद ने मुझे क्यों इस तरह से पैदा किया मैं क्यों नॉर्मल नहीं हूँ मैं क्यों एक जहरीली लड़की बन चुकी हूँ मेरा जिसम क्यों जहरीला है वो बॉटल का उस एंटीडोट का ढक्कन खोलती और फ़ौर से ही उसको पी लेती है जैसे ही वो पीती है उसका रिएक्शन इस तरह से होता है कि बैटरीज की वहीं पर मौत वाकई हो जाती है रिपेक्सनी भी बहुत ज़्यादा अफसोस करता है कि उसने ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया अपनी एक ही इकलौती बेटी के ऊपर दूसरा जीवानी भी बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है कि मेरी जो एक बिलवड है वह अब मर चुकी है लेकिन प्रोफेसर बेगलियोनी खिड़की के अंदर खड़ा हो के इस सारे नज़ारे को देख कर काफ़ी एंजॉय कर रहा होता है कि मेरा जो मुखालिफ़ प्रोफेसर था उसने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उससे उसी को ही नुकसान हुआ प्रोफेसर रिपेक्सनी आखिरकार हार गया और यहीं पर यह स्टोरी ख़त्म हो जाती है इसका मेन थीम यही था इस पूरे स्टोरी का कि आप साइंस को मैं और दूसरी जो आ, दूसरी जो साइंस की ब्रांचेज़ हैं उनको इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल करें ना कि आप इंसानों की तबाही के लिए कोई चीज़ बनाएं